आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही यूनिक। आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल पैनकेक्स, लेकिन ये कोई रेगुलर पैनकेक्स नहीं है, कि बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है, और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। अक्सर नाश्ते के टाइम पे वी रन आउट ऑफ आइडियाज़, लेकिन मेरी आज की रेसिपी बन सकती है आपके ब्रेकफास्ट मेन्यू का एक बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि ये है इतना टेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे बहुत टेस्टी वेजिटेबल पैनकेक्स। ये पैनकेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 कच्चे आलू, जिन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। भिगो इसलिए दिया था, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं। और अब मैं इन्हें कद्दूकस कर लूँगी, तो मैं सबसे बड़ी वाली साइड से इन्हें कद्दूकस कर रही हूँ। ये आलू कद्दूकस करने के बाद मैं इनके अंदर डाल दूंगी पानी, इन्हें थोड़ी देर भीगे रहने दूंगी और उसके बाद कम से कम 2-3 बार इसको धो लूंगी, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। जब तक मैं इसे भिगो के छोड़ती हूँ, तब तक आइए हम बाकी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ पत्ता गोभी के पत्ते, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था, और इन्हें भी अब मैं कद्दूकस कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक गाजर, जिसे भी मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक प्याज, और इसको भी हम काट लेंगे। इन आलूओं को मैंने 4 से 5 बारी पानी से धो लिया था और इसका सारा स्टार्च निकाल दिया था। अब मैं इन आलूओं से सारा पानी निकाल के दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। और अब ऐड कर देते हैं इसमें अपनी सब्जियां। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें पत्ता गोभी, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें गाजर और प्याज। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब डाल देते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, जीरे का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं 1 चम्मच अच्छे से भर के डाल दूँगी इसके अंदर जीरा पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी सूजी, तो सूजी हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, लेकिन मैं भी सारी नहीं डालूंगी, हम थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड करेंगे। अभी इसमें पानी भी डलेगा, लेकिन क्योंकि सब्जियों का अपना ही पानी बहुत होता है, तो अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, हम मिक्स करके देखेंगे कि इसके अंदर हमें कितना पानी डालना है। इसके अंदर मैं साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल से ये बहुत सॉफ्ट बनेगी, तो यहाँ मैंने डाला है अंदाजन 2 चम्मच ऑयल। इन सबको मिक्स करेंगे। इन सब्जियों में इतना पानी है कि जितनी मैंने सूजी डाली है इसके अंदर, वो गीली हो चुकी है, लेकिन इसको सॉफ्ट बनाना है तो इसमें अब थोड़ा सा ही सिर्फ पानी डलेगा। तो अब इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी भी आराम से चेक कर करके ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, कम रहा तो हम डेफिनेटली और ऐड कर सकते हैं। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि हमें सूजी की ड्राइनेस दिखनी बंद हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ेंगे, क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है और स्वेल अप हो जाती है। तो हमें इसमें इतना पानी डालना है कि सूजी ड्राई ना दिखे। बस अब ये सॉफ्ट हो गई है,
और इसमें अब और पानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए सूजी बिल्कुल भी ड्राई नहीं दिख रही है, सूजी गीली हो चुकी है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ताकि सूजी सारा पानी सोख ले और स्वेल अप हो जाए। अब यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, बस बहुत ही थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए और इसे मैं ब्रश कर देती हूँ। नेक्स्ट हमने जो मिक्सचर बना के रखा था उसे मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ। मैं आज इसके छोटे छोटे पैनकेक्स बना रही हूँ, आप चाहो तो बड़े भी बना सकते हो पर मैं आज इनको छोटा ही रखूँगी। हम इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो बस इसे मैं प्लेस कर दूँगी इसके अंदर। क्योंकि हमने इसके अंदर कच्ची सब्जियां डाली हैं खास करके आलू, तो मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, तो मैं इसे कवर कर रही हूँ। इन्हें पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इन्हें मैंने सिम पे ही पकाया था। ये देखिए आपको ये ना ऊपर से थोड़ा सा पके हुए दिखने शुरू हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत ही हल्का हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। और इसे अब हम फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर गोल्डन कलर के हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं। मैंने दूसरी साइड से भी इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट तक सिम पे ढक के पकाया है, तो अब मैं इसको पलट लूँगी। ये बहुत अच्छे से पक चुका है दोनों साइड से, काफ़ी क्रिस्प है। और अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है चीज़ के साथ, तो मैं थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ। और चीज़ के साथ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स। और अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक दूंगी कि चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ भी मेल्ट हो गया है, मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे मैं निकालूंगी एक स्टैंड के ऊपर। और वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसे प्लेट में निकालेंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा और इसकी क्रिस्पीनेस चली जाएगी, तो मैं इसे निकाल रही हूँ एक स्टैंड के ऊपर जब तक ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता। ये मेरा यमी क्रिस्पी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनके बिल्कुल रेडी है। तो है ना एकदम यूनिक रेसिपी, आप भी इसे अपने ब्रेकफास्ट में बनाइएगा और मुझे याद करते हुए खाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।